दोस्तों आपका पास सोमी का डिवाइस है, आप लोग फ्री फायर गेम खेलते हो, उस गेम प्ले को स्क्रीन रिकॉर्ड करना है विथ इंटरनल साउंड के साथ, तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा सोमी डिवाइस में आप लोग किस प्रकार फ्री फायर गेम प्ले को स्क्रीन रिकॉर्ड करोगे। दोस्तों सोमी का मतलब आपका पास एमआई का फोन है, तो आप लोग फ्री फायर गेम प्ले को कैसा स्क्रीन रिकॉर्ड करोगे इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। दोस्तों आप लोग एमआई का फोन में जो भी फ्री फायर गेम प्ले को स्क्रीन रिकॉर्ड करोगे वो फुल एचडी में स्क्रीन रिकॉर्ड होगा और इंटरनल साउंड के साथ रिकॉर्ड होगा और आपका डिवाइस लैग भी नहीं होगा। इसमें आप लोग इंटरनल साउंड को रिकॉर्ड कर पाओगे। इंटरनल साउंड का मतलब गेम के अंदर जितना सारा साउंड होता है, जैसा गन का साउंड, गाड़ी का साउंड, सब कुछ रिकॉर्ड कर पाओगे और आपका डिवाइस लैग भी नहीं होगा। आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो जो भी गेम प्ले चल रहा है वो मेरा एमआई फोन में स्क्रीन रिकॉर्ड हुआ है। दोस्तों आप लोग कैसा अपनी फ्री फायर गेम प्ले को एमआई फोन में स्क्रीन रिकॉर्ड करोगे फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल का ऊपर क्लिक करके ऑल का ऊपर क्लिक कर दीजिए और हमको फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर में फॉलो नहीं किया तो अभी जाकर फॉलो कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों एमआई फोन में एक खास बात होता है, कंपनी पहले से एक स्क्रीन रिकॉर्डर दिया हुआ है, आपको कोई भी फालतू स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड नहीं करना है, वही रिकॉर्डर से आप लोग फ्री फायर गेम प्ले को स्क्रीन रिकॉर्ड कर पाओगे। इसमें आपका डिवाइस लैग नहीं होगा क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डर कंपनी पहले से दिया हुआ है, इसीलिए आपका डिवाइस लैग नहीं होगा और इसमें आप लोग सिस्टम साउंड का भी रिकॉर्ड कर पाओगे। चलिए दोस्तों वो स्क्रीन रिकॉर्ड को आप लोग कैसा यूज करोगे मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सभी एमआई फोन में एक स्क्रीन रिकॉर्ड एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा जो कि एमआई पहले से दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हो स्क्रीन रिकॉर्ड एप्लीकेशन यहाँ से शो कर रहा है, इस प्रकार आपका डिवाइस में शो करेगा। यहाँ से एप्लीकेशन का अंदर स्क्रीन रिकॉर्ड एप्लीकेशन शो करेगा और नोटिफिकेशन बार में भी शो करेगा। आप लोग देख सकते हो नोटिफिकेशन बार में भी शो कर रहा है, इस प्रकार आपका भी नोटिफिकेशन बार में शो करेगा। यहाँ से आप लोग नोटिफिकेशन बार में भी स्क्रीन रिकॉर्ड को यूज कर पाओगे। चलिए दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्ड का अंदर क्या क्या सेटिंग करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्ड को ओपन कीजिए, मैं स्क्रीन रिकॉर्ड को ओपन कर लेता हूँ। देखिए स्क्रीन रिकॉर्ड का ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आपको ऊपर में एक सेटिंग का आइकन मिलेगा, इस सेटिंग का आइकन का ऊपर क्लिक कीजिए। सेटिंग का आइकन का ऊपर क्लिक करने के बाद इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आप लोग पूरा सेटिंग कर पाओगे। सबसे पहले आपको मिल जाएगा रेजुलेशन, इसका ऊपर क्लिक कीजिए। इसका ऊपर क्लिक करने के बाद इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा। यह सब आपको तीन ऑप्शन शो करेगा। यह सब आप लोग अपनी मर्जी से रेजोल्यूशन को सेट कर पाओगे, जैसा मैंने सेट किया हुआ है इस प्रकार आप भी सेट कर पाओगे। रेजोल्यूशन को सेट करने के बाद और एक ऑप्शन मिल जाएगा, वीडियो क्वालिटी, इसका ऊपर क्लिक कीजिए। इसका ऊपर क्लिक करने के बाद इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा। यह सब आप लोग वीडियो क्वालिटी सेट कर पाओगे, जैसा मैंने 16 Mbps सेट किया हुआ है इस प्रकार आप भी सेट कर पाओगे। वीडियो क्वालिटी सेट करने के बाद और एक ऑप्शन आ जाएगा, ओरिनेशन, इसका ऊपर क्लिक कीजिए। इसका ऊपर क्लिक करने के बाद यह सब आपको ऑटो रहने दीजिए, ऑटो का ऊपर क्लिक कर दीजिए। ऑटो का ऊपर क्लिक करने के बाद और एक ऑप्शन मिल जाएगा, साउंड सोर्स, जो कि मेन सेटिंग होता है। इसमें आप लोग सिस्टम साउंड का रिकॉर्ड कर पाओगे, इसलिए साउंड सोर्स का ऊपर क्लिक कीजिए। साउंड सोर्स का ऊपर क्लिक करने के बाद इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा। यह सब आपको तीन ऑप्शन शो करेगा। सबसे नीचे जो ऑप्शन शो करेगा सिस्टम साउंड, उसको आप लोग सिलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि इसको सिलेक्ट करने के बाद आपका सिस्टम साउंड रिकॉर्ड होगा, इसीलिए आप लोग सिस्टम साउंड का ऊपर क्लिक कर दीजिए। सिस्टम साउंड का ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे आपको और एक ऑप्शन शो करेगा, फिक्स्ड फ्रेम रेट, इसको आप लोग ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद नीचे आप लोग और एक ऑप्शन शो करेगा, फ्रेम रेट, इसका ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसका ऊपर क्लिक करने के बाद तीन प्रकार आपको ऑप्शन शो करेगा। बीच वाला जो ऑप्शन होता है 24 FPS, इसको सिलेक्ट कर दीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपका पूरा सेटिंग हो जाएगा। सेटिंग कंप्लीट होने के बाद आप लोग यहाँ से फ्री फायर गेम प्ले को स्क्रीन रिकॉर्ड कर पाओगे, जो कि बहुत ही आसान से आप लोग फ्री फायर गेम प्ले को स्क्रीन रिकॉर्ड कर पाओगे। चलिए स्क्रीन रिकॉर्ड कैसा करना है मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन रिकॉर्ड का सेटिंग कंप्लीट होने के बाद इसको बैक कर दीजिए। बैक करने के बाद नोटिफिकेशन बार में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, स्क्रीन रिकॉर्डर, इसका ऊपर आप लोग क्लिक करके स्क्रीन रिकॉर्ड कर पाओगे। जैसा आप लोग देख सकते हो यहाँ से ऑप्शन शो कर रहा है स्क्रीन रिकॉर्डर, इस प्रकार आपका नोटिफिकेशन बार में ऑप्शन शो करेगा स्क्रीन रिकॉर्डर। स्क्रीन रिकॉर्डर का ऊपर क्लिक करके स्क्रीन रिकॉर्ड कर पाओगे। इसका ऊपर क्लिक कीजिए। इसका ऊपर क्लिक करने के बाद जो कि मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड शुरू हो चुकी है। यहाँ से मैं मोबाइल के अंदर जो कुछ भी करूंगा सब कुछ रिकॉर्ड होगा। इस प्रकार आप लोग यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्ड कर पाओगे। स्क्रीन रिकॉर्ड को ऑन करने के बाद आप लोग फ्री फायर गेम प्ले कीजिए, जो भी आप लोग गेम प्ले करोगे सब कुछ रिकॉर्ड होगा।
फुल एचडी में रिकॉर्ड होगा, इंटरनल साउंड भी रिकॉर्ड होगा और आपका डिवाइस लैग भी नहीं होगा। गेम प्ले स्क्रीन रिकॉर्ड खत्म होने के बाद आप लोग यहाँ से नीचे देख सकते हो एक पॉज का आइकन आपको मिलेगा, इसका ऊपर क्लिक कीजिए। इसका ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग जो भी गेम प्ले रिकॉर्ड किया हो वो सेव हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग गेम प्ले का स्क्रीन रिकॉर्ड कर पाओगे। दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो में मैं आपको बताया MI फोन में आप लोग किस प्रकार फ्री फायर गेम प्ले को स्क्रीन रिकॉर्ड कर पाओगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल का ऊपर क्लिक करके ऑल का ऊपर क्लिक कर दीजिए।